हेलो गाइस एवरीवन, ये आज मैं रियलमी का फ़ोन दिखाने जा रहा हूँ। रियलमी 9 आई है, 4 GB 16 4 GB है। और ये फ़ोन न्यू फ़ोन 12.5-13 हज़ार का फ़ोन करीब बनाता है। और टाइप सी चार्जर है, यहाँ पे टाइप ही चार्जर मिलता है। और प्लस यहाँ ऑडियो जैक है और स्पीकर है और पीछे के 3 कैमरे हैं, प्लस फ्लैश लाइट है। और यहाँ पे ऑन ऑफ का चीज़ है, ऑन और ऑफ का दोनों। ये देखिए, ये जैसे ऑन हुआ और ऑफ हुआ, और साथ ही ये फिंगरप्रिंट भी दे दिया कंपनी ने। और ये कितना लुक के अंदर बहुत अच्छा फ़ोन है और ज़ोरदार है। और यहाँ पे प्लस माइनस के हैं, ये प्लस और ये माइनस। और यहाँ पे ये ट्रिपल कैमरे है, प्लस ये बॉडी, कितनी स्क्रीन और बहुत अच्छा लुक के अंदर फ़ोन है, ज़बरदस्त है एकदम। और बहुत ही प्लस माइनस ऑफ है, और स्क्रीन साइज़ भी बहुत अच्छी है उसकी। और एकदम लॉन्ग टाइम फ़ोन के साथ बहुत अच्छा दिख रहा है लुक में भी, और ज़ोरदार है फ़ोन ये। और कितना अच्छा खूबसूरत है, उसके जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त है उसके अंदर। ये रियलमी 9i 4G फ़ोन है, उसके अंदर दो फ़ोन आते हैं, एक 5G भी आता है और ये 4G फ़ोन है। और उसके अंदर क्या प्रोसेसर दिखाता हूँ, डिवाइस नाम लिखा रियलमी 9 स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर आता है, 4 GB प्लस 2 GB रैम एक्स्ट्रा का इसमें सिस्टम आता है, एंड्रॉयड 11 है। और फ़ोन लुक के अंदर भी बहुत ही ज़ोरदार और बहुत एकदम खूबसूरत फ़ोन है, कितना अच्छा फ़ोन है ये। और ये उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसर आते हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, वीडियो के अंत तक आप बने रहना, क्योंकि ताकि आपको भी पता चले कि इसमें क्या चीज़ है। उसके अंदर एंड्रॉयड 11 है, स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर आता है, 4 GB 16 4 GB है। और 6.6 इंच की साइज़ IPS LCD के डिस्प्ले के साथ में आते हैं, जो उसकी साइज़ है वो बहुत थोड़ी लंबी है, 6.6 है, और वो भी IPS LCD डिस्प्ले इसके अंदर आती है, एमोलेड नहीं है। परंतु बहुत अच्छा फ़ोन है कि जो प्राइस है इसके हिसाब से। और उसके जो कैमरे क्वालिटी है वो भी बहुत एकदम अच्छी है, क्योंकि जो पीछे का कैमरा है वो 15 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, बाकी के दो दो के 3 कैमरे हैं, जिसमें मेन कैमरा 50 का है, बाकी के दो दो के। और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का आता है, फुल HD के साथ में, 3 GPA के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम में है। और फ़ोन बहुत अच्छा आता है, एक्सटेंडेड है। और उसकी जो बैटरी बैकअप है 5000 mAh की आती है, और 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर आता है। फ़ोन देखा जाए तो लुक में और प्राइस में भी बहुत अच्छा फ़ोन है और बहुत शानदार फ़ोन है, क्योंकि जो ये जिस हिसाब से रेट दिए, प्राइस दिए और जो फीचर दिए, अब स्नैपड्रैगन आप 12,000-13,000 में लेने जाओगे 680 का तो किसी में नहीं मिलेगा, प्लस 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी नहीं मिलेगा। और जो 5000 mAh की बैटरी है, जो कैमरा भी मेन कैमरा वो 15 का है, 16 सेल्फी है, बट प्रोसेसर और जो कैमरा क्वालिटी है, जो बाकी सारे जो फीचर है उसके अनुसार ये फ़ोन बहुत अच्छा है, जो फीचर दिए हैं कंपनी ने। और लुक में भी बहुत अच्छा फ़ोन, एकदम साइज़ में, लुक में, स्क्रीन में, हर चीज़ देखा जाए तो फ़ोन जो प्राइस है इसके हिसाब से फ़ोन बहुत अच्छा है। किसी को लेना तो एक बार मेरे को ज़रूर बनाए, आपको मिल जाएगा अच्छे अच्छे अच्छी रेट में। और बट इसमें लुक, प्राइस और फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जो रेट है इसके हिसाब से बहुत अच्छे हैं, जो ये रेट जो कंपनी ने दी है उस रेट के हिसाब से कई गुणा अच्छा है। अब स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर हुआ, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर हुआ, 15 मेगापिक्सल का कैमरा हुआ, 5000 mAh की बैटरी हुई, कई कई चीज़ें इसमें बहुत अच्छी अच्छी बैटरी करती है और बहुत अच्छा है। जो साइज़ स्क्रीन की, अभी हर लोग अब इसको 6 पॉइंट बहुत पसंद करते हैं, लंबाई जितनी होगी उसको लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं, ये 6.6 ही है, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच।